फरीदाबाद वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। खबर यह है कि बल्लभगढ़ बस स्टैंड से अयोध्या के लिए बस सेवा शुरू कर दी गई है। बस स्टैंड से पहली बस को हरियाणा के परिवहन मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा ने बड़खल विधायिका सीमा त्रिखा, फरीदाबाद विधायक नरेंद्र गुप्ता और पूर्व जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा की मौजूदगी में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है, ये बल्लभगढ़ स्थित राजा नाहर सिंह बस स्टैंड की है, जहां पर 3 फरवरी को परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने अयोध्या जाने वाली पहली बस को बस स्टैंड से हरी झंडी दिखाकर न केवल रवाना किया, बल्कि उन्होंने इस बस में कुछ दूरी सफर भी किया और लोगों से इस बस की शुरुआत किए जाने के बारे में चर्चा की। वहीं कैबिनेट मंत्री ने बताया कि यह बस फैजाबाद, सैफी, लखनऊ होकर अयोध्या जाएगी। मैं फरीदाबाद के लोगों को बधाई बहुत बहुत और 500 साल के बाद जिसकी लोग कहा करते थे ना मुहूर्त होगा, ना समय बताएंगे, ना स्थान बताएंगे, आज बल्लौर से जो बस की शुरुआत हुई है, हम सारे साथी तीनों विधायक बैठ के चल रहे हैं और अयोध्या धाम प्रदेश के मुख्यमंत्री के धन्यवाद को जिन्होंने हरियाणा परिवहन की शुरुआत की है और आम व्यक्ति को इसको लाभ मिलेगा। जिसको व्यक्ति को सोए बैठेगा दूसरे दिन अयोध्या से आएगा, भगवान राम के दर्शन करेगा, जहाँ भगवान राम के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी गई और न्यायपालिका ने जो हमको दिया देश के प्रधानमंत्री कहते संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने सब कुछ अपना नौछार कर दिया, हम उसके दर्शन करेंगे उस धाम के, इससे बड़ी खुशी का दिन हमारे। कितनी देर का सफर होगा, क्या किराया होगा और आपने बताया कि इसमें भी कैटेगरी रखी गई है बसों की? नहीं, हमारे एसी बस है, वॉल्वो है, एसी है, ऑर्डिनरी है, हर बस का अलग का है, हर से सबसे सस्ती है और सबसे भरोसेमंद है। बस है उसका किराया क्या है? आज ऑर्डिनरी का 960 रुपए है, तो ये आने जाने का 1700 रुपए पड़ता है एक तरफ का। मेरे कहने जो वॉल्वो को चलाएंगे वॉल्वो के साथ चलाएंगे, इस बसों पे हरियाणा रोडवेज का अपना भरोसा है, लोगों का विश्वास है कि जो रोडवेज है इसमें क्या है कि समय पे इसकी सर्विस है, बसों के ड्राइवर कंडक्टर इन पे लोग उत्तर भारत पूरा भरोसा करता है, तो इसलिए क्या है कि जगह जगह रुकना। और मैं तो कहता हूँ पॉल्यूशन के कारण अपने व्हीकलों का यूज नहीं करो, उपयोग सरकारी बसों का उपयोग करें, इससे पॉल्यूशन कम होगी और सुरक्षित रहेगा, लोगों को लाभ। एसी बस प्राइवेट व्हीकल के मुकाबले ज्यादा सस्ती पड़ी, भरोसेमंद है, उनका क्या है कि ड्राइवर कंडक्टर पर लोग भरोसा रखते हैं, वो सरकार के हैं, बस इंश्योरेंस देती है। लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि यह हरियाणा सरकार की अच्छी पहल है, जिसके चलते अब लोग सीधे अयोध्या धाम राम लल्ला के दर्शन करने पहुंच सकेंगे। फरीदाबाद वासी इसके लिए सरकार का धन्यवाद करते हैं। मैं फरीदाबाद से रहने वाला हूं, आज श्री राम जी के मंदिर पे जा रहा हूं, जो मंत्री जी ने बहुत अच्छी पहल करी है, श्री मूलचंद जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे, इतनी अच्छी शुरुआत की है, एक सीधा नो स्टॉप रूट हो गया, बहुत अच्छा है, तहे दिल से धन्यवाद। मनोज जी कहाँ जा रहे हैं? अयोध्या। घर है आपका वहाँ? नहीं, अच्छा, दर्शन करने जा रहे हैं रामलला के दर्शन। हाँ जी, आज से पहली बस शुरू हुई है फरीदाबाद से, पहली बस में ही जा रहे हैं हम साहब। क्या क्या कहेंगे सरकार की इस पहल को? सरकार बहुत बढ़िया है,